नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जावेद एजुकेशन में। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं अतुल महेश्वरी छात्रवृत्ति 2019 जो कि जीके करंट जीके क्वेश्चन है जो कि परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो और एक वीडियो स्टार्ट करने से पहले बताना चाहिए, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ में बेल आइकन बटन प्रेस करें जैसे कि वीडियो अपलोड करके नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा। हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? जिसका सही उत्तर है मिताली राज। नेक्स्ट क्वेश्चन, भुझौ चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2018 किसने जीता? जो कि इसका सही उत्तर है केंतो मोमोता ने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना में किन तोपों को शामिल किया गया जिसका सही उत्तर है M777 हेविजर और K9 ब्रज। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पर्वतारोही अरुणिमा सिन्हा को हाल ही में यूनाइटेड किंगडम की स्ट्रेथक्लाइड विश्वविद्यालय ने किस उपाधि से सम्मानित किया है? जिसका सही उत्तर है डॉक्टरेट की मानद उपाधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, जन स्वास्थ्य के लिए योग पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? जिसका सही उत्तर है गोवा के पंजिम में। उर्दू संस्कृत और इसकी धरोहर को सुरक्षित रखने के लिए दिल्ली के कनॉट प्लेस में कौन सा उत्सव मनाया जा रहा है? जिसका सही उत्तर है जश्न-ए-विरासत-ए-उर्दू। विश्व मधुमेह दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? जिसका सही उत्तर है 14 नवंबर को, यानी कि विश्व मधुमेह दिवस प्रतिवर्ष 14 नवंबर को मनाया जाता है। भारत में बाल दिवस के अवसर पर गूगल ने एक डूडल जारी किया है, या डूडल किसके द्वारा बनाया गया है? जिसका सही उत्तर है पिंगला राहुल के द्वारा बनाया गया है। भारत और इंडोनेशिया के नौसेनाओं के बीच चल रहे नौसैनिक अभ्यास का क्या नाम है? जिसका सही उत्तर है समुद्र सक्त, यानी भारत और इंडोनेशिया के सेनाओं के बीच चल रहे नौसैनिक अभ्यास का नाम समुद्र सक्ति है।